Very good morning, students. How are you all? So what we did is yesterday in the last video was three problem sums. Okay. Question number 35 of your chapter 1, page number 25. हमने 1, 2 और 3 problem sum किया. ठीक है. तो आज हम करेंगे 4th, 5th और 6th problem sum. ठीक है. Please open your textbook. I will read the question and we will solve it. Okay. Number 4 question. If the price of one brick of type 1 is rupees 12 and the price of one brick of type 2 is rupees 8, then what is the total price of 1500 bricks of both the type? अब जैसा हमने third sum किया बिल्कुल वैसा ही है ये fourth sum. इसमें ऐसा है कि type 1 का एक price दिया है 12 brick का और एक type 2 brick का नाम है जिसका 8 rupees है. हमें उसका 1500 ब्रिक्स अगर खरीदना है तो हमें क्या टोटल प्राइस फाइंड होगा. टोटल प्राइस पूछना है मतलब दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा. ठीक है. मैं यहाँ पे थोड़ा आज जैसा हमें लाइव वीडियो में सजेशन मिला कि थोड़ा सा स्लो, तो मैं स्लो जा रही हूँ. ठीक है, स्लो बोल रही हूँ. फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लाइव में बोल सकते हैं. ठीक है, मैं अगर वो स्पीड में धीरे बोल रही हूँ तो आप उसको अच्छे से समझना. पर डोंट वरी, अगर कहीं पे आप जैसा कभी कभी फ्लुएंसी में फास्ट स्लो हो जाता है तो डोंट वरी, मैं उस चीज को रिपीट भी हमेशा करूंगी. ठीक है, कोई भी टफ चीज होगी मैं उसको रिपीट करूंगी आपको. ठीक है, यस, क्वेश्चन हमने समझ लिया. लेट्स स्टार्ट द सम. प्राइस ऑफ टाइप 1 ब्रिक का रुपीज 12 है और 1500 ब्रिक्स का हमें फाइंड करना है. ब्रिक के नीचे ब्रिक, रुपीज के नीचे रुपीज हमें फाइंड करना है. तो नंबर के सामने नंबर 1500 इंटू 12 यहाँ पे अगर क्रॉस कर जाएगा तो 1 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 1 नीचे आएगा. टाइप 1 में 1500 इंटू 12, 15 इंटू 12 से करके देखेंगे. जो मैंने यहाँ पे किया है वो आ रहा है 180 लिखा और पीछे के दो जीरोस ऐड कर दिए. सो आंसर इज 80,000 रुपीज. ठीक है, ऐसे रफ में आप कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप 2, टाइप 2 का प्राइस क्या है 800, तो 1500 ब्रिक्स का कितना होगा. ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं कि 1500 ब्रिक्स का कितना होगा. अगर आई क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 1500 इंटू 8 ऐसा कितना होता है 120 डाला और पीछे दो जीरोस डाल दिया. ठीक है, ऐसे आपको टेबल्स ओरल आने चाहिए. ठीक है, तो ब्रिक के नीचे हमेशा ब्रिक के नीचे और रुपीज के नीचे हमें तीसरा वाला फाइंड करना है, इसलिए आया पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर. ठीक है, तो 1500 इंटू 8 आया 12,000. पहले आया 18,000, फिर आया 12,000. टाइप 1 और टाइप 2 को प्लस करेंगे क्योंकि वो टोटल प्राइस पूछ रहा है. 18,000 प्लस 12,000, यहाँ पे साइन पे देखो मैंने प्लस भी किया है. 0000 प्लस हो गया 0 हुआ, 1 प्लस 2 10 हुआ, कैरी हुआ नीचे 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 30,000. आंसर इज 30,000. आया समझ में. क्या किया हमने, यहाँ पे जो ब्रिक का प्राइस दिया गया है उसको 1500 से मल्टीप्लाई किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल के देखेंगे तो भी आंसर वही आएगा. ठीक है, सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई है. ब्रिक के नीचे ब्रिक रखा, 1 ब्रिक का प्राइस दिया गया है तो 1500 ब्रिक्स का कितना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का फाइंड किया, दोनों को ऐड किया. आई बात समझ में. फिफ्थ सम, नंबर फिफ्थ सम, आई विल रीड द क्वेश्चन. इफ अ बुलक कार्ट कैरीज 2000 ब्रिक्स एंड अ कैमल कार्ट कैरीज 4000 ब्रिक्स, हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर कैरीड बाय टू सच बफेलो कार्ट्स एंड 3 सच कैमल कार्ट्स. ठीक है, तो बुलक कार्ट में 2000 ब्रिक्स चाहिए, कैमल कार्ट में 4000 ब्रिक्स चाहिए. ठीक है, अब बुलक कार्ट कितने हैं 2, कैमल कार्ट कितने हैं 3, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले बुलक कार्ट, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरी बाय बुलक और बफेलो कार्ट इज 2000 दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरी बाय
थ्री कैमल बैक्स इज 4000। पहले जो दो लाइन दी हुई है मैंने उसका लिख लिया कि बफेलो या बुलक काट कितना ले रहा है और कैमल काट कितना ले रहा है, 2000 एंड 4000। अब मैं उसको सॉल्व करूंगी। अगर वन बुलक काट में 2000 ब्रिक्स आ सकती है तो बुलक काट कितनी है, टू बुलक काट में कितना यहाँ पे काट है और यहाँ पे ब्रिक्स है वो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स है और यहाँ पे भी ब्रिक्स है, यहाँ पे भी कार्ड्स है, यहाँ पे ब्रिक्स है, ठीक है। तो वन कार्ड में 2000 ब्रिक्स है तो टू कार्ड में कितना, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 × 2, 2 × 4 पीछे के 3 0 आया 4000। नेक्स्ट अभी ये कैमल काट का है, ये बफेलो काट का, ये कैमल काट का। वन कार्ड में अगर 4000 ब्रिक्स है तो 3 में 3 कैमल काट में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर नंबर मल्टीप्लाई वन तो डिवाइड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4000 × 3 4 3 कितना होता है, 4 3 12 12 पीछे के 3 0 ऐड या 12000। इसका आंसर आया 4000, इसका 12। बाद में वो टोटल प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर कैरिंग, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दैट इज बुलक कार्ट प्लस कैमल कार्ट दोनों का ऐड किया हमने ब्रिक्स को, 4000 प्लस 12000 आंसर इज 16000 ब्रिक्स। आया समझ में, ये बिल्कुल टाइप 1 और टाइप 2 की तरह था, सिर्फ नाम चेंज था, ठीक है। तो ऐसे टाइप 1 टाइप 2 वाले भी सब इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि 3, 4, 5 तीनों ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देना। 6th क्वेश्चन नंबर लास्ट का, इफ द लेंथ ऑफ अ ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ दिया गया है, ठीक है, लेंथ उसकी ब्रिक की दी हुई है और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर लेंथ। अब पहले तो लेंथ और हाइट आगे वाले सेंटीमीटर में दी गई है और उसके बाद हमें जितनी बनानी है, ठीक है, वो ब्रिक्स का दिया गया है और वो बाद में वॉल का दिया गया है लेंथ और हाइट। तो ब्रिक का लेंथ हाइट है फिर वॉल का लेंथ हाइट है, दोनों को कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, देखो लेंथ ऑफ ब्रिक 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर, तो 20 × 10 करके नंबर वन डाल दो, ये हमारा इसको सॉल्व मत करो, इसको सिर्फ नंबर वन डाल दो, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ वॉल 2 मीटर, 2 मीटर को अगर कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर कर दो, मीटर 1 मीटर इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर। अगर मैं कहती हूँ 4 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में तो 4 × 100 तो हो जाएगा 400। मैं बोलती हूँ 10 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर, 10 × 100 दैट इज 1000। मैं बोलती हूँ 7 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 700। हाई बात समझ में, उसी तरीके से मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, 200 × 200, यहाँ पे भी दो चीज बनी 200 × 200, ये हमारा होगा सेकेंड पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट है 20 × 10, दूसरा है 200 × 200, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड में रखेंगे, पहले 200 × 200 वाला लिखा, बड़ा है इसलिए सब सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, 1 मीटर में हो 1 सेंटीमीटर में हो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 200 × 200 और नीचे डिवाइड में 20 × 10, अभी 1010 इसका कर, 1010 इसका कर, अब 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 10 20, तो 2 1 2 10 20, क्या अभी बचा है ऊपर 10 बचा है और 20 बचा है, 20 × 10, तो पहले तो 20 × 10 पूरा सॉल्व करेंगे, 2 1 2 कितने जीरो बचे, 2, पीछे 2 जीरो डाल दो, आंसर इज 200, ठीक है। तो 200 ब्रिक्स लगेंगी, क्या किसके लिए लगेगी, ये वॉल को बनाने के लिए। फिर से समझाती हूँ, यही सब पहले मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है ब्रिक का लेंथ और हाइट, फिर वॉल का दिया गया है। सेंटीमीटर में करना बहुत आसान है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 कर देने का, वाई बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर हाइट है, उसको हमने पहले तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में इंटू करके नंबर वन डाल दिया, फिर जो लेंथ ऑफ वॉल जो मीटर में दिया है, यहाँ पे लिखा है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसको 2
करेंगे जितना बचता है 22 10 बचता है, आंसर आया 200। आई बात समझ में, 4 5 6 4 और 5 तो बिल्कुल थर्ड सम की तरह था जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 6 वाला इसलिए ट्रिकी था सो मैंने उसको दो बार एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, आपका सारा चैप्टर अच्छे से नोटबुक में होना चाहिए। 34 और 35 क्वेश्चन तो बहुत नीटली करना, मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी उसमें से कॉपी करना, बट पहले प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं वेनसडे को, हर वेनसडे को मैथ्स के लाइव में आऊंगी और सैटरडे को मॉरल साइंस के लिए लाइव आऊंगी। मॉरल साइंस में कुछ इतना डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अपन सैटरडे को मैथ्स के, सैटरडे को मॉरल साइंस के लाइव में मिलेंगे और वेनसडे को मैथ्स के लाइव में। ठीक है, तो हमेशा ये नोटबुक पेंडिंग नहीं रखना, मैंने जो आज करवाया उसको आज के आज समझना और अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आगे जाके और डिफिकल्ट होंगे, तो प्लीज इसी को ही अच्छे से समझ लो, मेरे वीडियो को 2-3 बार देखना। यहाँ मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, आज फ्राइडे को आपका वीडियो गया है, अब सैटरडे थर्सडे को आपका वीडियो गया है, फ्राइडे मेरा पीरियड नहीं आता है, सैटरडे मॉरल साइंस आता है, अब सीधा मेरा मैथ्स का मंडे वीडियो आएगा। तो मंडे को मैं सेकेंड चैप्टर चालू नहीं करूंगी, मैं इसी चैप्टर की वर्कशीट भेजूंगी जो आपको खुद करनी होगी और वो आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 ऐसे डाल। ठीक है, फिर मैं आपको उसके आंसर्स भी भेजूंगी। तुरंत सेकेंड चैप्टर चालू नहीं करेंगे, पहले उसका पूरा समरी लेंगे वर्कशीट में। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 का। टिल देन प्लीज मेरे वीडियोस को 2-3 बार अच्छे से देखना, 34 और 35